Hello friends, assalamu alaikum. Welcome to Easy Learning 780 MGT402 की lecture series चल रही है और lecture number है 22 process costing पर आइए start करते हैं आज की video. हम पिछले lectures में भी ये example देखते आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया कि अब जो है 600 job जो है वो हमने department को transfer किए at the end of week, और जिसमें से 45 जो है वो complete हो गए, transfer हो गए to finish. और जो आपके जो बचे वो बचे कितने 100 सोप जो है वो एंड 50 जो है वो नॉर्मल लॉस हुआ. ठीक है, यानी कि प्रोसेस के अंदर ये हुआ कि जो 100 सोप थे वो स्टिल प्रोसेस्ड हैं और जो 50 है वो नॉर्मल लॉस हुआ. यूनिट इन प्रोड्यूस जो है वो प्रोसेस वो 100% विद रेफर टू मटेरियल विद रेफर टू मटेरियल एंड 60% कन्वर्जन कॉस्ट. कॉस्ट कितनी है प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की 520, डायरेक्ट मटेरियल कितना है 150, लेबर कितना है 112 और एफओएच जो है वो 168 है, 430 है. इस तरीके से 970 आ गया. प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, वही क्वांटिटी शेड्यूल जो एलिमेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की, क्वांटिटी शेड्यूल, एक्युमुलेटेड प्रोसेसिंग कॉस्ट, कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट और ये सारी चीज़ें हैं. अब इसके अंदर क्वांटिटी शेड्यूल जो है वो हमने कितना कि 450 तो आपके फिनिश में चले गए और जो 100 थे वो आपके जो है यूनिट जो है वो आपके स्टिल प्रोसेस में है, लेकिन जो यूनिट थे 50 वो आपके नॉर्मल लॉस था, तो नॉर्मल लॉस था आपने अलग कर दिया. अब इसके अंदर कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस कितनी है 540 और इस डिपार्टमेंट में कितनी हुई 112 और 168. इस तरीके से 430 जो है वो आपके पास आ गई, तो 970 जो है वो टोटल कॉस्ट हो गई. अब कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोड्यूस, इक्विवेलेंट कितनी यूनिट प्रोड्यूस कंप्लीट कितने हुए, पहला तो मटेरियल वाइज तो 100% था वो हुआ, वो कितना था वो है 100 का सॉरी 450 डिवाइड उसका, और फिर उसके आगे जो यूनिट थी आपके वो मटेरियल वाइज कंप्लीट है तो 550 रुपये जो है वो आपके पास आ गए, लेकिन जो एफओएच और लेबर है वो 60% कंप्लीट थे तो उसके 60% लिए तो वो आ गए आपके 60, तो 450 में 60 ऐड किए तो 510 हो गए. इस तरीके से एफओएच भी 510 हो गए. प्रीवियस डिपार्टमेंट से जो है वो आपने कितने 450 लिए थे और इस डिपार्टमेंट में 550 आई, तो आपकी 0.981182 जो है वो आपके पास कॉस्ट आए. और फिर डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 50 है, उसको आपने 550 से डिवाइड किया 0.27 आ गया. इस तरीके से आपने 112 जो है वो कॉस्ट थी, 510 से आपने डिवाइड किया तो आपके पास 21.21 आ गया. इस तरीके से 168 जो है उसको डिवाइड किया 510 से तो 0.3 जो आपके पास आ गया, तो टोटल आपने ऐड किया 1.8035 आपके पास आ गया. अपोर्शनमेंट आपने की उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास 812 जो है वो यूनिट जो है वो फिनिश गुड्स में आ गए. वर्किंग प्रोग्रेस के आप निकालते कि मटेरियल वाइज तो 100% था तो 98 और इस तरीके से प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट जो था वो तो 98 था तो वो, और फिर उसके बाद 27 जो है वो कैसे आए 100 को आपने डिवाइड कर दी, जो आपने मटेरियल की वैल्यू पीछे निकाली थी 27 आ गया. इस तरीके से लेबर को निकाला था तो 13 आ गया और एफओएच जो है वो 20 आ गया, तो टोटल आपने किया 98 27 13 और 20 को तो 158 आ गया और 970 जो है वो आपके पास टोटल आ गया. इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट कितनी थी 450, उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने जो अभी रेट निकालना था तो 442 जो है वो आपके पास कॉस्ट आ गई. इसी तरीके डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 4,450 है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया वो रेट से जो आपने निकाले थे तो आपके पास 123 आ गया, यानी कि 123 रुपये 99 148 तो ऐड कर दिया 812 रुपये. अब एक और एग्जांपल दीजिए कि मिनी फैक्ट्री है जिसके अंदर जो है वो फर्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर 1000 सोप बन रहे और एंड जो है वो 600 सोप और 300 सोप प्रोसेसिंग में है,
और डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 100% है, पार्ट्स कन्वर्जन जो है 35% है इनकर्ड ऑफिस की वजह के, इसके अंदर जो है वो एबनॉर्मल लॉस भी होता है। वो कितना है एबनॉर्मल लॉस, कितना हो गया 100 यूनिट जो है वो एबनॉर्मल कंप्लीट मटेरियल वाइज और 50% कन्वर्जन। तो ये आपको दिए हुए 50 225 और 135, इसको ऐड कर दिए 860 से रिक्वायर्ड जो है वो आपको दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या है, डिपार्टमेंट वन की जो आपने कॉस्ट निकालनी है वो कैसे निकालेंगे, अब आपने मटेरियल वाइज तो 100% कम्प्लीट है तो आपका 1000 ही आएगा, लेकिन जो लेबर है और FOH है उसके वाइज वो जो है वो कितने परसेंट आएगा, 70%। अब जो आपके नॉर्मल लॉस हुआ ना, सॉरी एबनॉर्मल लॉस हुआ ना, वो भी आप उसमें निकालेंगे। तो एबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट का हुआ था तो उसका 50% जो है वो कंप्लीट हो चुका था, तो उसके अंदर निकालेंगे इसी कॉस्ट के अंदर आप एबनॉर्मल लॉस जो है वो शामिल करेंगे। अब यूनिट कॉस्ट जो है वो अब आपने निकाल ली, इसको डिवाइड कर देंगे जो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल और लेबर और FOH की वैल्यू दी हुई उससे डिवाइड कर देंगे और तो और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आ गया डायरेक्ट मटेरियल की, लेबर की जो है 0.25 आ गया और फिर FOH की 15 आ गई आपकी 0.15 आ गई। अब एक्यूमुलेटेड जो है वो अपोर्शनमेंट जो है वो कॉस्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड फिनिश गुड्स कितनी है, 600 जो है वो आपको दी हुई 0.91124 तो 547 आ गया। इस तरीके से डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 300 है 0.5 और फिर डायरेक्ट लेबर जो है वो आपके पास 58 है और फिर इसके बाद के 300 है मल्टीप्लाई कर दिया 75% दिया हुआ था 0.15 तो 34 हो गया 242 हो गया। अब एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आपने निकाली 50 आई और फिर इसके 12 और फिर उसके आगे 8 टोटल गया 71 तो 860 आ गया 860 इस तरीके से आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।